रामविलास जी ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड परिवार पे बड़ा जोर देते थे मतलब वो छिपाते नहीं थे इस चीज को लेके मुझे ध्यान है जब मेरी उनसे मुलाकात हुई या उनके बारे में जो लोग जानते थे बहुत अच्छे से तो अक्सर उनसे ये सवाल पूछा जाता था, था कि भाई आपकी पार्टी में इतने नेता हैं लेकिन आप परिवार वालों को बहुत बढ़ाते हैं mm. और उनका ये स्टैंडर्ड रिप्लाई होता था कि जब मैं संघर्ष कर रहा था शुरुआती दौर में तो ये मेरे भाई थे जो मेरे साथ खड़े थे सो आई टू प्रोटेक्ट देम अब रामविलास जी नहीं हैं और उनके जो भाई हैं एक पहले ही गुजर चुके हैं 2019 में रामचंद्र पासवान जी और जो दूसरे हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि चिराग पासवान रामविलास पासवान और उनकी पार्टी एलजेपी की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए सही व्यक्ति नहीं है और इसलिए उन्होंने पार्टी बचाने के लिए लेगेसी बचाने के लिए ये बगावत की विद्रोह किया पार्टी को दल को अपने कब्जे में लिया नहीं बिल्कुल अगर उनको ऐसा लगता था भाई तो मुझे लगता है कि उनके पास बहुत सारा समय था चाचा जी के पास मुझसे कम्युनिकेट करते पापा से कम्युनिकेट करते क्योंकि मुझे ये जिम्मेदारी काफ़ी समय पहले खुद पापा के रहते हुए जब वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनके रहते हुए ही मुझे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था और जिसमें प्रमुख प्रस्तावक के तौर पर आ, मेरे चाचा जी स्वयं थे आ, सूरज भान जी उनको सेकंड करने वाले थे और तो अगर कहीं पे किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत थी और मैं मानता हूँ कि स्वाभाविक है समस्याएं हो सकती हैं हो सकता है मुझसे ही कहीं पे कोई गलतियाँ हुई हों हो सकता है जानकारी का अभाव हो पर पापा हमेशा इस बात को बोलते थे कि बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान बातचीत से निकल सकता है और निरंतरता में पापा के निधन के बाद मैंने और मेरे परिवार ने परिवार में खैर मेरे पास मम्मी ही बची हैं उन्होंने पूरी कोशिश की कि हम कम से कम बात तो करें अगर कोई दिक्कत है कुछ है क्योंकि पापा के निधन के बाद से चाचा जी ने बात करना एकदम ही बंद कर दिया था और मम्मी को भी ये बात खलती थी क्योंकि इस घर में इतने समय से रहे और पापा के निधन के बाद जब मम्मी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनके परिवार की थी उनके रहते हुए मम्मी एक चट्टान की तरह परिवार के साथ खड़ी नहीं आज जब उनको ज़रूरत थी तो उस परिवार के सदस्यों में से कोई नहीं था ना चाचा ना चाची कोई नहीं इस घर में आए ना उनसे मिले ना उनसे पूछा कि भाभी आप ठीक हैं क्या हाल सा? तो किसी से तो कम्युनिकेट करते हैं। मम्मी को भी इस बात की दिक्कत थी तभी मैंने हार के जब मैंने वो पत्र लिखा होली वाले दिन जो मैंने ट्विटर पे साझा भी किया क्योंकि उस दिन मैं अकेला था डिप्रेस था परेशान था क्योंकि होली पापा को बहुत पसंद थी और हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम होली के हर साल होता था पर इस साल पापा नहीं थे और दुख इस बात का कि कोई भी नहीं था और परिवार का मेरा कोई सदस्य नहीं था उस दिन तो उस दिन मैंने उनको पत्र लिखा कि चाचा कोई भी दिक्कत हो आप मुझे बुलाइए ना बैठाइए मुझे आपका हक बनता है भाई पापा हैं आप मेरे हम लोग बिहार में चाचा मजले पापा छोटे पापा, पापा यही बोलने की आदत है और पापा के निधन के बाद ईमानदारी की बात है सौरभ भाई मैं उनमें पापा की ही छवि देखता था और परिवार का मुखिया होने के नाते जैसा आपने कहा मेरे छोटे चाचा उनका निधन हो गया था 2019 में पापा के निधन के बाद उस जनरेशन में एक वही बचे थे जो हमारी अगली पीढ़ी को संभालते हमें मार्गदर्शन देते हमें आगे चलने की राह दिखाते तो वो थे नहीं तो मैंने जब वो पत्र भी लिखा और उसके बाद अभी तक कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ तो यही बात मैं कह रहा हूं जो आपका प्रश्न है कि कहीं पे कोई भी दिक्कत थी मैं नहीं पार्टी को संभाल सकता आप मुझे बोलते मैं स्वयं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव रखता कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए आपको लगता है मेरा अनुभव नहीं है वैसे ही मंत्रालय में मंत्री पद की अभी कोई कहीं पे कोई चर्चा नहीं थी बट अगर आपको मंत्री बनना था पार्टी की तरफ से आप मुझे बताते मुझसे ज्यादा और खुशी किसे होती भाई आप अनुभवी हैं आप बिहार में आप मंत्री स्वयं रह चुके हैं आप विधायक इतनी बार रह चुके हैं अगर आप बोलते और संभवतः शायद ये परिवार में हम लोगों के मैं मम्मी के बीच में बैठ के चर्चा भी हो रही थी कि अगर ऐसा होगा क्योंकि इस अभी मुझे परिवार को भी थोड़ा समय देना ज़रूरी है तो हम लोग स्वयं प्रधानमंत्री जी के समक्ष विचार के लिए रखते कि अगर आपको पार्टी की तरफ से किसी को मंत्री बनाना है तो आप चाचा के नाम पर आप विचार करें चिराग आप ये सब दावे कर रहे हैं लेकिन जो आपके आलोचक हैं वो आपके इन दावों में कई कमियां पाते हैं तो मैं एक एक करके पूछ लेता हूं ताकि आप अपने हिस्से का जवाब दिल्कुण, दिल्कुण. दे सकें आपने कहा कि चाचा आपसे संवाद नहीं कर रहे थे जबकि वो जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तो मौजूद थे प्रस्तावक के तौर पर लेकिन ये भी सबको पता है कि वो पाँच मिनट के लिए मीटिंग में आए और एक जो अमूमन होता है कि परिवार का या पार्टी में कोई नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तो लंबा प्रोग्राम चलता है वो सब तो उन्होंने बस खानापूर्ति की उपस्थिति दर्ज कराई ये सब पत्रकारों ने दर्ज किया पहली बात आपने कहा कि आपने होली के दौरान आपको पुरानी यादें आई और आपने चिट्ठी लिखी लोग कह रहे हैं कि जब ये चौदह पंद्रह सोलह जून के जो प्रकरण हुए जैसे आप तब चाचा के दरवाजे पर पहुंच गए तो आप होली पे चले जाते पहले चले जाते आप ये पार्टी की बगावत का इंतज़ार क्यों कर रहे थे तीसरी चीज आपने कही अगर वो मंत्री बनना चाहते थे तो अपनी बात रखते हम प्रधानमंत्री को कहते कि हमारे कोट कोटे से चाचा को मंत्री बनाया जाए चाचा के समर्थकों का कहना है कि उनके कहने पर आपने विधानसभा के टिकट तक नहीं बांटे तो इस तरीके के इल्जामों पर आपकी क्या टिप्पणी है भाई सबसे पहले तो जैसा आपने कहा कि चौदह पंद्रह का जो प्रकरण हुआ मैं उस वक्त मैं उनके घर चला जाता जी उस दिन वाला वो प्रकरण रिकॉर्ड इसीलिए हुआ क्यों क्योंकि मीडिया थी वहां पर अच्छा इससे पहले आप मेरे भाई से कभी बातचीत हो तो आप उनसे पूछेगा प्रिंस से आप पूछेगा प्रिंस के माध्यम से मेरे चाचा के जो बेटे हैं उनके माध्यम से मुस्कान और हाँ मुस्कान आप और आप भले मुझे तो आप भूल ही जाइए कि चलिए मैं तो मेरे ऊपर तो जो जो इल्ज़ाम लगाए वो सराखों पर मम्मी ने कितनी बार फोन किया अगर आपको मुझसे शिकायत थी भाई वो तो आपकी भाभी रही है माई मदर वॉज मैरिड टू माई फादर फॉर ऑलमोस्ट फोर्टी थ्री ईयर्स पिछले तिरतालीस चौवालीस सालों से आप लोग के संबंध रहे हैं मम्मी ने आपको छोटे भाई बेटे की तरह हमेशा समझा आप उनसे बात करते ना कि भाई चिराग से ये ये सारी दिक्कतें हैं आपने जिक्र किया उस दिन का जिस दिन वो सिर्फ पाँच मिनट ले आए थे बिल्कुल पापा भी इस बात से चिंतित थे कि भाई क्यों तो उस दिन खुल के आप पापा से बात करते हैं पापा को आप बोलते कि भैया ये, ये सारी दिक्कतें हैं इस वजह से मैं नहीं चाहता कि चिराग को राष्ट्रीय अध्यक्ष आप आए भी सही बोला आपने विरोध दर्ज उन्होंने कराया अपना जिस तरीके से वो पाँच मिनट के लिए रुके और निरंतरता में नास पापा के रहते हुए कितनी बार भाई बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बार बार ये खबरें आती थी कि पार्टी में टूट हो रही है पार्टी में टूट हो रही है मुझे याद है पापा उनको ऑक्सीजन लगा हुआ था और वो भी दूसरा वो जो प्रेशर के साथ जाता है बाईपैक वाला क्या बोलते हैं उसको जी तो वो वाला उतार के पापा इनको फ़ोन करते थे और बार बार बोलते थे कि पापा नाम लेकर ही बुलाते थे कि पारस ये क्या चल रहा है क्यों इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं ये है वो है मुझे याद है एक पत्र एक प्रेस रिलीज इन्होंने जारी किया पापा के निधन से ग्यारह दिन पहले 27 सितंबर 2020 को इन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति इन्होंने जारी की जिसमें इन्होंने स्पष्ट तौर से लिखा कि पार्टी में कुछ फूट की ऐसी खबरें आ रही हैं कि सांसद अलग हो रहे हैं जिसमें मेरा भी नाम उसमें शामिल किया जा रहा है पर मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि लोक जनशक्ति पार्टी और मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ मजबूती से खड़ा हूँ और उनके हर फैसलों के साथ मैं चट्टान की तरह खड़ा हूँ ये बिहार विधानसभा से पहले ये बिहार विधानसभा से पहले सत्ताईस सेप्टेम्बर टू को ये पत्र उसका कॉपी आप चाहेंगे तो मैं आपको तो वो भी मैं दे दूंगा तो ये पत्र उनको उस लिखने की जरूरत क्यों पड़ी या तो अगर आप उसी वक्त से कोई प्लानिंग कर रहे थे तो क्या आप इंतजार कर रहे थे पापा के निधन का, निधन का और उसके बाद मैं इस प्लानिंग को अंजाम दूं पापा के रहते हुए तो आपने स्पष्टीकरण दिए पर कहीं ना कहीं भाई धु, धु, धुआं तो तभी उठता है ना जब कहीं पे आग लगी होती है तो कहीं ना कहीं ये हलचले पापा के रहते ही चल रही थी अब वही बात है कि जब ये हलचल उस वक्त चल रही थी तो आप बोलते ना पापा के साथ मुझसे तो चलिए आप बोल रहे हैं कि नहीं बातचीत कुछ नहीं।, नहीं तो आप पापा के साथ बैठते आप उनके साथ बातचीत करते और जो बात इन्होंने कही कि बिहार विधानसभा में इनके पूछने पर मैंने टिकट तक नहीं बांटी दिल पे हाथ रख के चाचा इस बात को बोल दें एक बार दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से इस बात को बोल दें कि क्या मैंने उनसे हर सीट के ऊपर मैंने उनसे मशवरा नहीं किया उनको पाँच छः सीटों के अलावा उनको किसी सीट से मतलब नहीं था और इस बात को मैं खुल के मैं बोल रहा हूँ उन्होंने पूरे बिहार विधानसभा में कौन चुनाव लड़ेगा कहां से चुनाव लड़ेगा भाई मेरे पिता के निधन के बाद आप मेरे पिता हैं आप आइए आप संभालते आप बोलते हैं कि मैं इसको देखूंगा तुम चिंता मत करो तुम अपने क्रिया के कार्यक्रमों में लगो क्योंकि वही वो, वो दस दिन ऐसे थे जिन दस दिनों में सारी टिकटें भी बांटनी थी पहले सेकंड थर्ड फेज के नॉमिनेशंस का समय आ रहा था तो उसमें कौन सी सिर्फ एक सीट मैं जरूर मानूंगा जो इनके कहने पे नहीं दी गई थी वो लालगंज ही मेरी सीट थी लालगंज की सीट पर क्योंकि मुझे एक तो विभिन्न प्रकार की मुझे र्यूमर्स आ रहे थे उस सीट को लेकर कि अलग अलग तरीके की लालगंज तो आप पंद्रह में भी जीते थे मेरी सीटिंग विधायक की सीट थी और पार्टी ने इस बात को तय किया था कि भाई जो सिटिंग विधायक की सीट है उसको नहीं बदला जाएगा और इसीलिए गोविंदगंज की जो हमारी सीट थी राजू तिवारी जी की उस पर उन्हीं को हम लोगों ने चुनाव लड़ाया और राजकुमार शाह जी जो हमारी पार्टी के जो लालगंज से जो हमारे विधायक हैं उनको बदलने का कोई सवाल ही नहीं था नहीं। चाचा उस सीट के लिए जरूर किसी दूसरे व्यक्ति का नाम लेकर सामने आए थे उस सीट पर जरूर मैंने इस बात को कहा था कि सिटिंग विधायक हैं पापा के रहते हुए वो विधायक रहे हैं पापा की लोकसभा की सीट है और मैं इस पर जो बाकी के जो र्यूमर्स चल रहे हैं जो कि सही नहीं मुझे लगे तो मुझे था कि उनकी लोकसभा में मैं इस तरीके की बातें मैं नहीं सुनना चाहूंगा कि कोई डील हुई है सीट को लेकर कुछ हुआ है मैं नहीं सुनना चाहूंगा और मैं चाहता हूं कि भाई जो सिटिंग है वही कंटिन्यू करे क्योंकि पार्टी ने निर्णय लिया तो उसके अलावा एक सीट मुझे वो बता दें जो कि उनके कहने पर ना दी गई हो